हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास ट्वेल्थ की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलिन चाइल्डहुड, रिटन बाय अनीस जंग। जैसे कि आपको इसके टाइटल से समझ में आ रहा होगा बच्चों, स्टोरीज ऑफ स्टोलिन चाइल्डहुड, ये जो अनीस जंग है इन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग इस चैप्टर का टाइटल इसीलिए रखा है कि मेनली इस चैप्टर में उन्होंने आपके सामने दो थीम रखी हैं। पहली है पॉवर्टी और दूसरी है चाइल्ड लेबर, और इसमें आपको दो स्टोरी उन्होंने बताई हैं। पहली स्टोरी जो उन्होंने बताई है उसका नाम क्या है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, जिसको हम आज पढ़ेंगे, और दूसरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी फर्स्ट स्टोरी, ओके। चलिए, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, ये इसका टाइटल है। व्हाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। अब वो अनीस जग कह रही हैं कि मैंने उस बच्चे से पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो, है ना, आई एनकाउंटर्ड। अब वो क्या बोल रही हैं कि जो है मैंने उसको कहाँ पर देखा है, पड़ोस में कूड़े के ढेर में सोना तलाशते हुए मैं उसे हर रोज देखती हूँ। अब यहाँ पर बेटा सोना वर्ड यूज़ किया गया है, गोल्ड। गोल्ड से मतलब ये होता है कि यहाँ पर सोने से मतलब जो उनके काम की चीज़ है, जो उनके लिए बिल्कुल सोने जैसी है, इसलिए उन्होंने गोल्ड वर्ड का यूज़ किया है ना। कभी कभी वहाँ उनको एक रुपया मिल जाता है, कभी कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो उनके बहुत काम की है लेकिन दूसरों ने वो फेंक दी होती है, इसीलिए यहाँ पर गोल्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, बता रही हैं कि वो उन्हें रोज़ वहाँ पर देखती हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। अब वो कह रही हैं कि घर की हल्की सी भी याद उसके जहन में बाकी नहीं थी, मतलब वो जहाँ से भी आया था उसको जरा सी भी याद नहीं थी। ढाका के हरे भरे खेतों में उसका घर था लेकिन उसको वहाँ के बारे में कुछ भी याद नहीं था, ठीक है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ ने उसे ये बताया था कि अनेक तूफान आते थे, है ना, उनके घर और खेत क्या होते थे उसमें सब खत्म हो जाते थे, इस वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, ऐसा उनकी माँ ने उनको बताया था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और बड़े शहर जिसमें वे रहते हैं वहाँ वो क्या करते हैं, सोना तलाशते हैं। अब आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। अब उन्होंने उससे पूछा था ना कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसने क्या किया, उसने कहा मेरे पास जो है कुछ और करने को नहीं है, है ना। उसने एकदम मटर्स का मतलब होता है कि फुसफुसाना जैसे, है ना, तो उसने कहा कि मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं तो मैं क्या करूं, ठीक है। आगे वो क्या कहता है, आगे कहती हैं वो, गो टू स्कूल आई से ग्लेबली रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। ये उन्होंने एकदम तुरंत उनसे कह दी, उससे कह दिया कि तुम स्कूल जाओ, लेकिन उन्होंने तुरंत ये महसूस किया कि मैंने उसे जो एडवाइस दी है वो कितनी खोखली है और बड़ी लापरवाही से मैंने उससे कह दिया। ये उनको रियलाइज़ हो, कई बार हम लोग भी कुछ बात कह जाते हैं बाद में रियलाइज़ करते हैं, तो उनको भी लगा कि मैंने इस बच्चे से क्या बोल दिया। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड वैन दे बिल्ट वन आई विल गो। अब वो कहता है मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई बन जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, मैंने उससे पूछा, आई आस्क हाफ जोकिंग मतलब मजाक करते हुए मैंने उससे पूछा कि अगर मैं कोई स्कूल शुरू करती हूँ तो क्या तुम आओगे। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और उसने बड़ी सी स्माइल देके क्या कहा,
कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। अब कुछ दिनों बाद मैं देखती हूँ कि वह दौड़ता हुआ मेरे पास आ रहा है और एकदम से क्या पूछता है आके, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। अरे उन्होंने कहा था स्कूल के बारे में इसलिए उसने पूछा, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वॉज नॉट मीट। अब वो क्या कह रही हैं कि मैंने एक ऐसा वायदा कर दिया था जो निभाया नहीं जा सकता था, एक ऐसा वायदा पर जिसे निभाने का कोई उद्देश्य ही नहीं था मेरा, मैं उस पर बहुत एम्बेरेस हुई, है ना, लज्जित हुई और मैंने कहा स्कूल बनने में बहुत समय लगता है ना। उन्होंने कहा कि जो है स्कूल बनने में तो काफ़ी टाइम लगता है, ऐसा उन्होंने लज्जित होते हुए उससे कह दिया। दैट वॉज नॉट मीट बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। अब वो कह रही हैं कि जैसे मैंने उससे झूठा वायदा किया था ऐसे ही संसार में इस तरीके के वादे करने वाले लोग कोने कोने में भरे पड़े हैं ऐसे लोगों के लिए। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम साहिब आलम ही अनाउंस। कई महीने बाद, एक महीने तक उसे जानने के बाद मैंने उसका उससे नाम पूछा और वो क्या बोलता है, मेरा नाम क्या है, साहिब आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसे इसका अर्थ नहीं पता था, जो उसने एकदम से बोला साहिब आलम, उसे अपने नाम का अर्थ नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। यदि उसको अपने नाम का अर्थ पता होता कि क्या अर्थ है उसके नाम का, इस यूनिवर्स का मालिक, एक सृष्टि का मालिक, ये पता होता तो वो उसको विश्वास नहीं कर पाता, उसे बड़ी परेशानी होती कि उसका नाम तो इतना अच्छा है और बेचारा है कैसा, इसलिए उसे बड़ी दिक्कत होती। ये नहीं जानता था कि उसके नाम का अर्थ क्या है, फिर भी बेचारा बड़े शौक से उसने बोल दिया साहिब आलम, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीविंग इट, अनवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपेयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपेयर एट नून। अब आगे वो बता रही हैं कि उसको अपने नाम का अर्थ नहीं पता था, वो नहीं जानता था कि उसके नाम का अर्थ क्या है, वह अपने दोस्तों के साथ क्या करता था, गलियों में नंगे पैर घूमता था और एक आर्मी थी पूरी, ऐसे लड़कों की पूरी फौज थी जो सुबह पक्षियों के समान सामने नज़र आ जाती थी और दोपहर में गायब हो जाती थी। मतलब वो लोग उस उनके घर के पास जो जगह थी नेबरहुड था, वहाँ पर सुबह सुबह आ जाते थे सब लोग और सब कचरा ढूंढते थे वहाँ के और दोपहर में वहाँ से गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। अब रोज़ वो उन्हें देखती थी, है ना, महीनों से देखती आ रही थी तो वो एक एक करके सबको पहचानने लगी थी, ठीक है। Why aren't you wearing चप्पल्स आई आक्स वन, मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, क्यों नहीं पहन रखी तुमने चप्पल। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ ही आंसर्ड सिंपली। बड़ा सिंपल तरीके से उसने मुझे आंसर दे दिया कि मेरी माँ ने उन्हें शेल्फ से नहीं उतारा है, मतलब उसको दी नहीं है पहनने को, शेल्फ में रखी हुई है, उससे उतारा नहीं है, बड़ी सिंपली उसने उनसे कह दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट अनदर हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। अब वो आगे कह रही हैं कि उसका साथी एक जो है एक ऐसे जूते पहना हुआ था जो मैच नहीं कर रहे थे, बेमेल जूते पहना था। तो आगे वो क्या कह रहा है, वो बता रहा है वो वाला साथी क्या बोल रहा है कि इवन इफ़ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, कि वो अगर इस उतार भी देती तो ये उन्हें फेंक देता, ऐसा उसके साथी ने उनको बोला। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, और जब मैं
इस पर कुछ कह रही थी, उससे बात कुछ करती, कोई कमेंट दिया मैंने, तो वो क्या कर रहा था, वो अपने पैरों को शफल कर रहा था, एक के ऊपर एक ऐसे घिस रहा था, शफल कर रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। उसको अजीब सा लग रहा था ना, दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहने थे, वो शफल एक एक के ऊपर एक अपने पैरों को घिस रहा था। आई वॉन्ट शूज़, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। अब तीसरा बच्चा उसमें से बोला, जिसके पास बेचारे के पास पूरे जीवन में उसके पास जूते नहीं थे, उसने जूते कभी नहीं देखे थे, तो वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए, मैं चाहता हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी पेयर जूतों का पहना ही नहीं है, तो मुझे जूते चाहिए, ऐसा उसने बोला। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज ऑन ब्लेज रोड्स। अब वो बता रही हैं कि मैंने देश में बच्चों को शहरों में गांव की सड़कों पर नंगे पैर घूमते देखा है, मतलब मैंने सब जगह देखा है, ऐसा नहीं है, इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और इसका एक जो मैं अगर एक्सप्लेनेशन मतलब उसका कुछ स्पष्टीकरण अगर देना चाहूँ तो वो ये है कि आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो कह रही है इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ कि इसका कारण पैसों की कमी नहीं, लेकिन नंगे पैर रहने की क्या है, एक ट्रेडिशन है ना, और ऐसी ट्रेडिशन कि ये जो है कैसी है, बहुत परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी की एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी हो। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडपी वंस टोल्ड मी। अब उन्हें एक स्टोरी याद आ गई, क्या सुना रही हैं, वो बता रही हैं कि मुझे याद है कि एक उडपी के आदमी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, कि एक छोटा बच्चा था जो कि मंदिर के पास से होके गुजरता था जहाँ पर उसके पिताजी क्या थे, एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। वो थोड़ी देर के लिए स्कूल जाते समय उस मंदिर के पास रुकता था और एक पेयर ऑफ शूज़ यानी जूते की एक जोड़ी के लिए, एक जोड़ी जूते के लिए वो भगवान से प्रार्थना करता था। अब ये बात उनको याद आ गई थी, ठीक है। आगे देखिए वो क्या कह रही हैं, 30 years later 30 साल बाद आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैं उस कस्बे और मंदिर में गई, वहीं पर जहाँ पर ये उन्होंने कहानी सुनी थी उसी जगह वो वहाँ पहुँची। विच वॉज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, अब वो कह रही हैं जो कि अब क्या कैसा था, वहाँ पर बिल्कुल सूनापन का वातावरण था, बिल्कुल शांति थी, ठीक है। आगे बोलती हैं वो, वहाँ पर देखा उन्होंने कुछ नहीं था, वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, कि वहाँ पर एक नया पुजारी था और लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक कुर्सियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी। आ यंग बॉय, अब उन्होंने वहाँ पर एक छोटा बच्चा भी देखा, वो क्या क्या कैसे क्या पहने हुए था, वो लुकिंग एट द बॉय, कैसा बॉय देखा, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बैग। उन्होंने वो छोटा बच्चा देखा, वो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुआ था, सॉक्स शूज पहने हुआ था, वो आया और उसने क्या किया, अपना जो बैग था वो एक फोल्डिंग बैग पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस वेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। वो कह रहे हैं उस बच्चे को देखकर मुझे वो बच्चा याद आ गया जिसने गॉडेस से अपने जूते मांगे थे और गॉडेस ने उसकी जो है गॉडेस ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे वो जूते उसको दे दिए थे, ठीक है। अब आगे देखिए, यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वर शूज़, और वो जो लड़का था उस प्रीस्ट के बच्चे की तरह जूते मांगना चाहता था, उसे भी वैसे ही जूते चाहिए थे, बट
मैनी अदर्स लाइक ऑफ रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस. लेकिन मेरे आसपास बहुत से ऐसे रैग पिकर बच्चे हैं, ऐसे कबाड़ी कबाड़ा बीनने वाले कबाड़ी हैं जो बच्चे नंगे पैर रहते हैं. माई एक्विटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू द सीमापुरी. अब वो कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं नंगे पैर कबाड़ी जो बच्चे हैं, मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी ले जाती है. मतलब ये बच्चे सीमापुरी से हैं, बिलोंग्स करते हैं. अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली. अब वो बता रहे हैं कि ये जो सीमापुरी वाला प्लेस है वो कहाँ है, दिल्ली के बाहरी हिस्से में स्थित है, लेकिन मेटाफोरिकली मतलब लाक्षणिक रूप से है ना, दिल्ली के मीलों दूर है, दिल्ली से बहुत दूर है. ये जो सीमापुरी के बारे में जो बात कर रही हैं वो दिल्ली से दूर है. दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. अब वो बता रही हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर आके बस गए थे. साहिब्स फैमिली इज़ अमंग ऑफ देम. और साहिब की जो फैमिली है वो भी इन्हीं में से एक है. ये जो जिस समय पाकिस्तान के दो टुकड़े किए गए थे, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था, तब कुछ लोग हमारे यहाँ आकर बस गए थे. तो ये जो लोग हैं सीमापुरी में जो बसे हुए हैं ये वही लोग हैं. सीमापुरी वॉज देन आ वाइल्डरनेस. सीमापुरी तब एक कैसी जगह थी, एक उजड़ी हुई जगह थी, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं था. ठीक है, इट स्टिल अब भी वही है सीमापुरी, ऐसी ही जगह है, कुछ खास बात नहीं है उसमें. बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन जो है वो अब खाली नहीं है. अब वो जैसे पहले खाली पड़ी हुई थी ऐसा नहीं है, वहाँ पर अब बहुत से लोग रहने लगे हैं. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन डोविड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स. अब आगे बता रही हैं कि यहाँ मिट्टी के बने क्या हैं स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, खोखे हैं, टिन और त्रिपाल की छतों के नीचे है ना, बिना किसी सीवेज के है ना, जहाँ या नालियाँ नहीं है, मतलब कोई सीवेज नहीं है, और कैसा नहीं है, रनिंग वाटर भी नहीं है, चलता हुआ पानी भी नहीं है, वहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स लोग रहते हैं. दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी. ये लोग यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा के समय से बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी अनुमति पत्र के वो यहाँ पर रहते हैं. विदाउट परमिट्स बट विद द राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन. अब बता रहे हैं परंतु उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है और जिससे उन्हें अनाज खरीदने में का अधिकार भी मिल जाता है ना, वो अनाज खरीदने के लिए योग्य हो जाते हैं क्योंकि उनके पास राशन कार्ड है तो अनाज भी मिल जाता है. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. वो कह रहे हैं कि जिंदा रहने के लिए खाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि कोई पहचान. किसी पहचान की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितना हमें खाने की ज़रूरत है. ठीक है, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक. अब वो कह रहे हैं कि पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी है ना, खाना मिले ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन शाम को हमारा पेट भरा होना चाहिए, बिना किसी पेट दर्द के हमें हमारी परिवार को भोजन पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है. ज़िंदा रहने के लिए भोजन ज़रूरी है, ना कि कोई पहचान, ऐसा उन्होंने कहा. ठीक है, और हम बिस्तर में शाम को जा सकें विदाउट एन एकिंग, मतलब पेट में कोई दर्द ना हो भूख के मारे. वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन. अब आगे वो क्या कह रहे हैं, वो आगे बता रहे हैं कि अगर क्या बताया कि उन्होंने बिना पेट दर्द के खाना खा सके है ना, तो क्या कह रहे हैं, हम बंजर खेतों के बजाय यहाँ रहना ज़्यादा चाहेंगे. वो जहाँ पर जहाँ से वो छोड़कर आए हैं, वो हर बार बार उनकी क्या हो जाता था कि
पानी आ जाता था, बाढ़ आ जाती थी, खेत ख़त्म हो जाते थे। तो ऐसी ज़मीन में रहने से अच्छा तो वहाँ रहना ज़्यादा अच्छा है ना, जहाँ खाने को कुछ मिले, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम ऐसी ज़मीन पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पर हमें खाना मिले, खाना मिल जाएगा। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड सारीज व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। अब वो कह रही हैं कि जो है मैंने जो कुछ ऐसी महिलाओं से बात पूछा जो कि वो अपने इतना सुंदर वहाँ की ग्रीनरी थी वहाँ उसे छोड़ के क्यों चली आई, है ना, क्यों यहाँ पर चली आई। तो उन्होंने क्या और कैसी थी वो महिलाएं, वो महिलाएं जो है फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई थी, है ना, फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई थी। और जिनसे मैंने पूछा कि वो अपने ग्रीन फील्ड्स को छोड़ के यहाँ पर क्यों चली आई, तो वो क्या बोल रही हैं, वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। अब वो कह रही हैं जहाँ पर भी खाना मिलता है वहीं पे जाके वो अपने तंबू गाड़ देते हैं, यानी रहने का स्थान बना लेते हैं और वहाँ पर वो रहने लगते हैं, अस्थाई घर बन जाते हैं उनके, है ना, ऐसा उन्होंने बताया। आगे क्या बोल रहे हैं वो, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। अब वो कह रही हैं कि वो बच्चे बड़े होते हैं और उन्हें जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, कैसी साझी कोशिश, वो भी बेचारे उसी काम में लग जाते हैं, ठीक है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रैक पिकिंग। सीमापुरी में अगर जीवित रहना का अर्थ है आपको क्या करना पड़ेगा, कूड़ा चुनना पड़ेगा, कवाड़िया बनना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने राइटर ने हमको बताया। थ्रो द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट गार्बेज टू दैम इज गोल्ड। अब उन्होंने क्या बताया कि जो है कूड़ा कचरा उनके लिए क्या है, सोने जैसा है, है ना, और उनके लिए क्या है, उनके जीवन के लिए रोजी रोटी है उनकी, या उससे भी कुछ अधिक है, ठीक है। आगे क्या बोल रही हैं, Garbage to them is gold. It is their daily bread and roof over their heads. Even if it is a leaking roof. अब वो कह रहे हैं कि ये garbage जो है, rag picking जो है, वो उनके लिए एक सोने की तरह है, वो उनकी रोजी है, है ना, खाना मिलता है उससे और छत मिलती है, चाहे वो छत टपकती ही क्यों ना हो, हैं, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए ये इससे भी कुछ अधिक है। माता पिता के लिए तो केवल रोजी है, अपनी फैमिली को पालना है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप। साहिब ने कहा कि मैं यहाँ पर कभी कभी 10 रुपये का नोट पा लेता हूँ और कभी कभी 1 रुपये का भी, और ये कहते हुए उसकी आँखों में बहुत चमक थी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आप किसी गार्बेज के ढेर में, गंदगी के ढेर में आपको चांदी का सिक्का मिल जाए तो आपके लिए अच्छी बात है, ये और होप जग जाती है और आशा हो जाती है हमें शायद कुछ और मिले। You don't stop scrounging for there is hope of finding more, सही बात है, आप वहाँ खोजना बंद नहीं करते हैं, आपको कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, ये सब आप करते रहते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद तो लगी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ अपने माता पिता के अर्थ से बिल्कुल ही अलग था, पेरेंट्स के लिए कुछ, इनके लिए कुछ और। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए चमत्कार से लिपटा होता था। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि बड़ों के लिए जीवित रहने का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन सर्दियों की सुबह मैं साहेब को मैंने पड़ोस के क्लब के बाड़ लगे हुए फाटक के पास खड़ा देखा, ठीक है।
अब वो क्या देख रहा है वहाँ पे खड़ा होकर, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन वाइट प्लेइंग टेनिस। वो दो लोगों को देख रहा था जो कि सफ़ेद पोशाक पहने हुए थे और टेनिस खेल रहे थे, ठीक है। आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। हम्स मीन्स होता है गुनगुनाना, वो गुनगुनाता है और उस फेंस के पीछे खड़े होकर बड़ी ही संतुष्टि से वो खेल देख रहा है, वहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है उसे देखने। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग्स। वो कह रही है जब कोई आसपास नहीं होता तो गेट कीपर जो है उसे अंदर भेज देता है और वो अंदर चला जाता है, वहाँ जाके झूला भी झूलता है ना, ऐसा उसने एडमिट किया। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं जो कि कैसी है, डिसकलर्ड यानी वो कलर उड़ चुका है उस शर्ट का, ऐसी कमीज पहने हुआ है और क्या पहना हुआ है, शॉर्ट्स पहने हुआ है। वो कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है बड़ा देखने में, है ना। आगे वो क्या कह रहा है, समवन गेव दैम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। अब वो किसी ने मुझे ये दिए हैं, है ना, ऐसे सफाई देते हुए बताता है, किसी ने ये मुझे दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। ये और सच्चाई ये थी कि ये एक अमीर आदमी के, अमीर बच्चे के, जो कि जिसे उनकी ज़रूरत नहीं थी, उसके द्वारा फेंके हुए थे, डिस्कार्ड कर दिए गए थे, यानी उसने उनको फेंक दिया था, हटा दिया था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम। उन्होंने उनको पहनने के लिए इनकार कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था कि उसमें एक होल हो गया था, वो फटे हुए थे जूते, इसलिए उसने मना कर दिया और उसने उनको फेंक दिया, है ना। डज नॉट बॉदर हिम हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम डज नॉट बॉदर हिम फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट। अब वो कह रहा है कि जो बच्चा बिल्कुल हमेशा नंगे पैर घूमता है, उसके लिए वो फटे हुए जूते पहनना उसको बॉदर नहीं कर रहा था, वो उसके लिए एक सपने जैसा था, सपना जैसे सच हो गया हो उसका, है ना। फॉर वन हु वॉज वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू बट द गेम He is watching so intently is out of his reach। परंतु वह खेल जिसे वह इतनी तन्मयता से देख रहा था और वो उसकी पहुँच से बाहर था। This morning Sahib is on his way to the milk booth। अब इस सुबह साहेब एक दूध की दुकान की ओर जा रहा था। In his hand is a steel canister। उसके हाथ में एक स्टील का कैंस्टर था, ठीक है, कनस्टर को बोलेंगे अपन, कनस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। उसने कहा कि मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। ही से इज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने इशारा करते हुए बताया। आई पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मैं 800 रुपये पाता हूँ और अपना सारा भोजन। डज ही लाइक द जॉब, मैंने उससे पूछा कि जो है तुम्हें जॉब पसंद है, ये अच्छी लगी जॉब तुम्हें। आई आस्क हिज फेस, मैंने पूछा और उसका चेहरा देखा। आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका जो केयर फ्री लुक था वो जो है उसके चेहरे से निश्चिंतता जो थी वो सब गायब थी, क्योंकि वो अब किसी का नौकर था, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। उसका जो स्टील कैनिस्टर था वो जो है उसके प्लास्टिक बैग जिसमें वो कचरा रखता था उससे भी ज़्यादा भारी उस समय लग रहा था। ओवर हिज शोल्डर ही द बैग वॉज हिज द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन द टी शॉप। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि जो वो कैनिस्टर था वो उस दूध वाले उसका था जिसके यहाँ वो काम करता था, है ना, उसका तो था नहीं, इसलिए जो
चाय की दुकान का मालिक था उसका था, साहेब जो है अब अपना मालिक नहीं रहा था। तो ये हुई आपकी फर्स्ट स्टोरी। इस अगले वीडियो में हम आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।